क्या आप जानते हैं इंडिया की सेकंड फीमेल कौन है जो स्पेस में जाने वाली है, और उड़ने वाली कार आप कब देख पाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ने इस लड़की को 22 लाख रुपए क्यों दिए? जानने के लिए देखते रहिए। उड़ने वाली कार्स तो हमने सिर्फ बचपन में देखा था, और वो भी कार्टून के अंदर। और जब भी हम ऐसी कार्स के बारे में या ऐसी इमेजिनरी चीज़ों के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछते थे तो उनका कहना होता था कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन पिछले 3-4 सालों से ये चीज़ दिख रही है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो इस पर काम कर रही हैं और इसे एक रियलिटी में बदलने वाली हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना अपना प्रोटोटाइप ले भी आई हैं, और कई जगह टेस्टिंग चल भी रही है, जैसे कि दुबई, वहाँ पर टेस्टिंग चल रही है उड़ने वाली कार। और इसी बीच क्लीन विजन ने अपनी फ्लाइंग कार को इंट्रोड्यूस किया है, जिसे एक कार से फ्लाइंग कार बनने में 2 मिनट 15 सेकंड का वक्त लगता है, और उड़ने के लिए एक रनवे चाहिए होता है। और यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट भी हुआ है, जिसमें यह 35 मिनट तक 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। और इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद इस कंपनी के फाउंडर स्टीफन क्लीन ने कहा है कि वह इस कार को जल्द ही कमर्शियली अवेलेबल करेंगे, तो इसलिए आपको ऐसी कारें बहुत जल्दी देखने को मिल सकती हैं। चलते फिरते आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो YouTube से थोड़ा सा हैकिंग का ज्ञान लेने के बाद खुद को कहते रहते हैं हम एथिकल हैकर हैं, पर एक जो रियल हैकर होता है वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपना काम करता है। और उनमें से एक एथिकल हैकर हैं जिनका नाम है आदित्य सिंह, और इनकी एज है 20 ईयर्स। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सिस्टम में एक बग खोजा है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें 22 लाख रुपए दिए हैं। और ऐसा ये पहली बार नहीं है कि आदित्य सिंह ने कोई बग ढूंढा हो, उन्होंने इससे पहले भी और भी दूसरी कंपनियों के लिए बग खोजे हैं और उससे इन्होंने रिवार्ड पाया है। और उनके इसी काम को सराहने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कोलम्बिया यूनिवर्सिटी और साथ में गूगल ने अपने हॉल ऑफ फेम में इनके काम को सराहा है। कल्पना चावला, इंडिया की पहली फीमेल जो स्पेस में गई थी, लेकिन अब इंडिया की दूसरी फीमेल भी स्पेस में जा रही हैं, जिनका नाम है श्रीशा बांदला, और इनका बर्थ इंडिया के आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन के साथ जो 5 लोग जा रहे हैं उनमें से एक हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। और इसी बात पर आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ये हैं दुनिया के सबसे उम्रदराज आदमी, जिनका जन्म 1908 में हुआ था, और ये अब 112 साल 326 दिन के हैं, और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कंफर्म किया है। तो आज के लिए बस इतना ही था, लाइक और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।